सभी को जय हिंद मैं जिवेश कुमार स्वागत करता हूं आपका डिफेंस सेंटर ट्वेंटी फोर सेवन पर तो कैसे हैं आप सभी लोग आई होप आप सभी लोग फर्स्ट क्लास होंगे ओके okay? ओके okay, हर्ष चंद्रा और चिया ठीक है वो एके एम मोडिफाइड वर्जन नहीं था उस जो कल मैंने आपको राइफल शो करी थी वो इट्स लुक लाइक ए के फोर्टी सेवन और ए के एम सीरीज बट वो आपकी क्या है वी जेड फिफ्टी एट है ये भी आपकी गैस ऑपरेटेड कार्बाइन होती है जहाँ ए के आपकी क्या होती है राइफल होती है राइफल वहीं 58, एक कार्बाइन होती है और उसको इसलिए यूज किया करती थी पैरासफ क्योंकि बहुत लाइट थी उसका जो हिट रेट था फायर रेट था वो ज्यादा था और वो बहुत अच्छे से कैरी हो सकती थी ओके तो कंचन वेलकम ऑन द्लेटफॉर्म ऑफ डिफेंस सेंटर ट्वेंटी फोर सेवन जय हिंद सभी को इंसास नहीं 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 इंसास तो अभी इंसास के लिए तो सिग्मा सोसा, राइफल्स हम लाए हैं यू से क्योंकि इंसास की उतनी कंपेबलिटी नहीं बैठ रही तो आज का हमारा जो सेशन है दोस्तों वो किस पर बेस्ड है आपका इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज़ पे है तो जल्दी से चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को और अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो सेशन को शेयर और लाइक जरूर करेगा ओके वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर लेक्चर जस्ट वन सेकेंड मेरा एक इक्विपमेंट मिस हो गया ओके सो फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन आपके सामने पहला क्वेश्चन ये रहा अब इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए देखते हैं कौन कौन इस लोगो इस ऑप्शन का आंसर और आज का जो सेशन है इसमें हमें आपको सारी चीजों के बारे में बताना पड़ेगा रोडोल्ट डीजल कार्ल बेंस हेनरी फोर्ड और गॉटलैब डैमर ओके तो यस लेट्स स्टार्ट हर्ष चंद्र सभी का वेलकम है हां सूरज शर्मा जोश अभी आ जाएगा कम नहीं लग रहा एकदम जैसे जैसे इंजन स्टार्ट होता है धीरे धीरे गर्मी आती है ना तो जोश एकदम सही है चलो तो इस क्वेश्चन का आंसर आपने क्या दिया है हेनरी है? फोर्ड ऑप्शन नंबर सी हैंनरी फोर्ड ने अगर आपने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री देखी हो तो उसमें जो कार है वो एक सीरीज में बनती जाती है यानी उसका पहले इंजन चेसिस लगता है फिर इंजन लगता है फिर डोर्स लगते हैं इस सीरीज को हम बोलते हैं असेम्बली लाइन तो 1907 में हैंनरी फोर्ड ने क्या इन्वेंट करी थी या क्या बनाया था असेंबली लाइन ओबियसली कार बनाने के लिए ही ये करा था अब बताओ अब क्या होगा आंसर बिल्कुल अब बताओ इसका आंसर अब क्या होगा हेनरी फोर्ड तो इसका आंसर नहीं हो सकता रोडोल्फ डीजल नाम में ही डीजल है तो इन्होंने आपका क्या बनाया था पहला डीजल इंजन बनाया था ठीक है पहला डीजल इंजन जो आप किसने बनाया था रोडोल्फ डीजल ने ओके अब बताओ कार्लमेन्स या गोटलेब डेमलर ऑप्शन नंबर बी ओके बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी इसका सही है सबसे पहले इन्होंने पेट्रोल ड्रिवन इंजन बनाया था ठीक है आपका 1879 में कब 1879 में सबसे पहले पेट्रोल ड्रिवन गोटलै ने फर्स्ट मोटर बाइक ओके okay? फादर ऑफ बाइक मोटर बाइक अगर बोला जाए तो किसको बोला जाएगा गॉटलेब डैमलर ने तो ये चारों ऑप्शन आपको क्या पता लगा कि डीजल इंजन किसने बनाया पेट्रोल इंजन असेंबली लाइन एंड आपकी बाइक सो so, हाँ बिल्कुल कार जमनी का है प्रियंका हेलो गुरु जी जय हिंद बेटा तो इस क्वेश्चन का आंसर तो 1879 में जो कार बनाई थी कार्लमेन्स ने वो कुछ इस तरीके की दिखाई देती थी नेक्स्ट क्वेश्चन बैक्टीरिया वॉज डिस्कवर्ड बाय लुइस पास्टर रॉबर्ट कॉच रॉबर्ट हुक, एवी मार्टियस ये मैंने इसमें ऑप्शन दे दिए। अब सी बात है छऑ ऑप्शन दिए हैं तो कुछ ना कुछ सोच के दिया होगा तो जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है लुइस पास्टर रॉबर्ट कॉच रॉबर्ट हुक रॉबर्ट हुक का तो आपको पता है रॉबर्ट हुक ने 1665 में फर्स्ट सेल को डिस्कवर करा था ठीक है यानी सेल को जो सबसे पहले डिस्कवर करा था रॉबर्ट हुक ने और फर्स्ट लिविंग सेल अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट लिविंग सेल किस पर्सन ने डिस्कवर करी थी ओके फर्स्ट लिविंग सेल किस पर्सन ने डिस्कवर करी थी हाँ, ओके okay. फर्स्ट लिविंग सेल किसने डिस्कवर करी थी तो वो ल्यूवन हॉक थे 1774 में फर्स्ट लिविंग सेल ओके फर्स्ट लिविंग सेल डिस्कवर्ड बाय ल्यूवन हॉक ठीक है ल्यूवन हॉक ने फर्स्ट लिविंग सेल को डिस्कवर करा था ओके रॉबर्ट कोच ऑफ फाइदर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी जिसे माइक्रोबायोलॉजी भी बोलते हैं तो जल्दी से बताओ फर्स्ट लिविंग सेल कौन से ईयर में आपका डिस्कवर uh, हुई थी तो आपका एंटोन वैन ल्यून हॉक ने फर्स्ट लिविंग सेल को 1774 में डिस्कवर करा था यानी इन पर्सन ने ही ठीक है और इन्होंने ही सबसे पहले बैक्टीरिया को भी डिस्कवर ओके okay? एंड वॉन्टन ल्यूअन हॉक ने करा था अब यहां ध्यान रखेगा रॉबर्ट कोच इन ए फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी या फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है इन्होंने आपका एंथ्रेक्स ओके okay, किसका डिस्कवरी करी थी एंथ्रेक्स डिमिट्री इमोन्सकी इन्होंने किसकी डिस्कवरी करी थी इन्होंने डिस्कवरी करी थी वायरस की इन्होंने बताया था कि वायरस नाम का एक प्राणी होता है लुइस पास्चर लुइस पास्चर ने आपका रेबीज ओके रेबीज का टीका भी बनाया था उसको डिस्कवर भी करा था और इन्होंने टिटनस टिटनस इसको डिस्कवर करा था उसका वैक्सीन भी बनाया था ठीक है हाँ टिटनस का और रेबीज का टीका भी बनाया था इनको डिस्कवर भी करा था अब आपको बताना है मेरिटिनियस बेंजरनिक मेरिटियस बेंजरनिक इन्होंने क्या डिस्कवर करा था ओके मेरिटेनियस बेंजरनिक ने क्या डिस्कवर करा था ये डच माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे बेंजामिन और इन्होंने आपका क्या डिस्कवर करा था जल्दी से बताओ ओके okay, इन्होंने आपका क्या डिस्कवर करा था चलो इसे होमवर्क में करना ओके okay? चलो वेरी गुड आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन हु इन्वेंटेड पेनिसिलीन पेनिसिलीन का इन्वेंशन किसने कराता जैसे पेनिसिलीन क्या होती है एक वैक्सीन होती है वैक्सीन जो होती है ये आपकी एक प्रिंसिपल पे काम करता है इसमें वेक्टर होता है अब ये वेक्टर जो होता है वायरस ही होता है क्योंकि वायरस का एक तरीके से फॉल्स रूप में या फॉल्स फॉर्म में वायरस को हमारे शरीर में इंजेक्ट किया जाता है जिससे हमारे शरीर का जो इम्यून सिस्टम है वो वर्क करने लगता है और हमारा उसके हमारा शरीर उस वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाता है तो सबसे पहले ये कंसेप्ट एडवर्ड जेनर लाए थे इन्होंने 1798 में ठीक है आपका स्मॉल पॉक्स जिसे हम चेचक बोलते हैं इसकी वैक्सीन को बनाया था इसी वजह से एडवर्ड जेनर को फादर ऑफ वैक्सीनेशन कहा जाता है क्या बोला जाता है फादर ऑफ वैक्सीनेशन ओके फादर ऑफ वैक्सीनेशन कहा जाता है अलेक्सेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में ओके में फ्लेमिंग ने 1928 में फंगस ठीक है फंगस फंगस से आपका क्या बनाया था वर्ल्ड की फर्स्ट एंटीबायोटिक बनाई थी ठीक है फर्स्ट एंटी बायोटिक ओके या फर्स्ट एंटीबैक्टीरियल आप इसे बोल सकते हैं तो वो क्या था पेनिसिलिन था वर्ल्ड फर्स्ट एंटीबायोटिक फिर लुईस पाश्चर लुईस पाश्चर ने को मैंने अभी आपने बताया मैंने बताया रेबीज और टिटनेस की वैक्सीन साथ ही साथ लुईस पाश्चर ने आपका एक प्रोसेस बताया था पेस्टराइजेशन सो काइंडली टेल मी व्हाट इज पेस्टराइजेशन तो जल्दी से आप मेरे को बताओ कि पेस्टराइजेशन क्या होता है लेट सी कौन इसका आंसर बताएगा ओके okay? hmm. आप यह बताइएगा वट इज द प्रोसेस ऑफ पेस्टराइजेशन आप मदर डेरी या अमूल का मिल्क पीते होंगे तो उस पर लिखा रहता ना पेस्टराइज मिल्क तो वट इज द प्रोसेस ऑफ पेस्टराइजेशन हाँ बिल्कुल सोनू सुख सर वो भी आपका बिल्कुल सही है आप ये बताइए व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ पेस्टराइजेशन जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उस पर जरा फोकस करके आंसर दीजिएगा मिल्क देखो पेस्चराइजेशन का प्रोसेस क्या होता है कि मिल्क को सेवेंटी टू डिग्री सेल्सियस तक बॉयल किया जाता है कितने टाइम के लिए 10 मिनट्स तक ठीक है उसके बाद क्योंकि 70 डिग्री पर कोई भी बैक्टीरिया और वायरस सरवाइव नहीं कर सकता तो वो क्या हो जाता है ख़त्म हो जाता और फिर एकदम से मिल्क को कूल डाउन यानी ठंडा कर देते हैं तो इससे क्या होता है उसमें बैक्टीरिया जर्मिनेट नहीं हो पाता ओके इससे क्या होता है बैक्टीरिया उसमें जर्मिनेट नहीं हो पाता और इसी वजह से वो दूध काफ़ी दिनों तक रह सकता है अभी जैसे सर्दियां हैं आप दूध को सुबह उबालो और अगले दिन तक उबालो अगले दिन जाकर चौबीस घंटे बाद उसे उबालो वो फटेगा नहीं क्योंकि ठंड में बैक्टीरिया क्या होता है इनएक्टिव हो जाता है गर्मियों में आपको वो शाम को उबालना ही पड़ेगा नहीं तो वो अगले दिन तक खराब हो जाएगा तो लुइस पास ने आपका क्या आप? इन्वेंट करा था एक तो पेस्टराइजेशन प्रोसेस और रेबीज की वैक्सीन टिटनेस की वैक्सीन जॉनस ई सलाक ने ठीक है जॉनस ई सलाक ने पोलियो वैक्सीन बनाई थी पोलियो वैक्सीन अच्छा आपसे ये पूछना है कि जो पोलियो होता है ये पोलियो एक वायरस वाला डिजीज है पोलियो क्या है वायरस बॉन्ड डिजीज होती है ठीक है पोलियोमाइटिस स्मॉल पॉक्स भी आपका वायरस बॉन्ड डिजीज होती है वेरी सेला वायरस हम इसे बोलते हैं तो आपको बताना है जैसे स्मॉल पॉक्स हमारे स्किन पर अटैक करती है स्किन पे दाने दाने हो जाते हैं पोलियो जो है हमारी बॉडी के कौन से ऑर्गन पर या कौन से सिस्टम पर इफेक्ट डालती है ये बताओ पोलियो सबसे पहले बताओ कि जो पोलियो है पोलियो वायरस है वो हमारे शरीर के कौन से हिस्से पर इफेक्ट करता है हम्म जल्दी बताओ इस क्वेश्चन का आंसर जो मैंने पूछा है बताया नहीं आप लोगों ने आंसर अभी तक लेग में नहीं करता है लेग में नहीं करता है नर्वस सिस्टम में करता है किस पे करता है नर्वस सिस्टम जरूरी नहीं है कि पोलियो से टांगे ही खराब हो ओके पोलियो से हाथ भी खराब हो सकता है तो ध्यान रखिएगा पोलियो जो वायरस है ये नर्वस बॉन्ड डिजीज है ये उसका कनेक्शन खत्म कर देता है ओके यस रजत कुमार भट्ट ने एकदम सही बताया सेंट्रल नर्वस सिस्टम तो पोलियो जो इफेक्ट करता है आपका नर्वस सिस्टम चलो यहां पर आपको मैं बता रहा हूं प्लांट और एनिमल के जो बीच की यूनिट है वो बैक्टीरिया कहलाती है क्योंकि इसमें आपके प्लांट्स जैसे भी क्वालिटीज पाई जाती है और एनिमल जैसे भी तो प्लांट और एनिमल के बीच का जो चीज है उसे हम क्या बोलते हैं बैक्टीरिया और लिविंग एंड नॉन लिविंग ओके लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच की जो यूनिट है उसे हम वायरस बोलते हैं ठीक है उसे हम क्या बोलते हैं वायरस बोलते हैं लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की यूनिट को हम क्या बोलते हैं वायरस ध्यान रखिएगा बैक्टीरिया के लिए आपको एंटी बैक्टीरियल ड्रग या मेडिसिन मिल सकती है लेकिन वायरस के लिए आपको आपका शरीर तो एंटीबॉडी बनाएगा या फिर आपको वैक्सीन लगवानी पड़ेगी और जो हम खाते हैं ना एंटीवायरल ड्रग वो भी यही चीज होती है ओके चलो वेरी गुड तो सभी वही समझ आ रहा है ओके hmm? okay? तो लाइक like कर सकते हो अगर सेशन अच्छा लगे तो अगला क्वेश्चन फोर्स ऑफ डिफ्लेक्शन वाज अब इसमें ना अभी मैं बता रहा हूं 95 फाइव परसेंट लोग इसमें आंसर गलत देने वाले हैं शायद ठीक है तो चलो आंसर देना फोर्स ऑफ डिस्फ्लेक्शन वॉज डिस्कवर्ड बाय हम्म ओके चलो जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा वट विल बी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी हम्म ऑप्शन नंबर सी आशीष कुमार ने ऑप्शन नंबर सी दिया है ओके ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर सी ओके ऑप्शन नंबर सी यस मैंने मेरी स्टेटमेंट सही हो गई 95 फाइव परसेंट इसका आंसर गलत देंगे ओके ओके सो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा ओके okay, तो मैंने जो कहा था ना 95 परसेंट लोग इसका आंसर गलत दोगे तो इसका आंसर सी नहीं है ठीक है कोरोलिस एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे उन्होंने अर्थ के रोटेशन के कारण एक सूडो फोर्स जिसे हम छदम बल बोलते हैं ये जनरेट होता है इस ये बताया था कोरोलिसिस फोर्स कोरोलिसिस फोर्स क्या है कि अर्थ के रोटेशन के कारण कोई भी चीज़ जो नॉर्थ से साउथ uh, से नॉर्थ चलेगी या नॉर्थ से साउथ चलेगी उसमें क्या होता है वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा लेकिन इन्होंने केवल इस फोर्स के बारे में बताया था इसका जो पूरा प्रॉपर क्लरिफिकेशन है वो फेरल ने दिया था किसने दिया था फेरल ने दिया था ओके okay? सो so, इस क्वेश्चन का आंसर है ओके okay? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए ये है फेरल्स लॉ फेरल्स लॉ के कारण क्या होता है आपका कि आपका जो विंड्स की डायरेक्शन है वो आपकी चेंज होती है कल पढ़ा रहा था ना ईस्टर्लीज वेस्टर्लीज मॉनसून विंड तो जो मॉनसून विंड आती हैं इस तरीके से ही क्यों फ्लो करती है ऐसे क्यों नहीं फ्लो करती ठीक है ऐसे क्यों फ्लो करती है या वेस्टर्लीज आपका इस तरीके से वेस्टर्लीज क्यों फ्लो होती है ठीक है या ईस्टर्लीज इस तरीके से क्यों फ्लो करती है तो वो आपका क्या होता है फेरल्स लॉ होता है और इन्होंने ही फोर्स ऑफ डिफ्लेक्शन का लॉ दिया था ठीक है फोर्स ऑफ डिफ्लेक्शन क्या है कि अगर कोई भी मूवमेंट हो रही है नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर तो वो अपने राइट साइड मुड़ेगी, ठीक है देखो ऐसे ऐसे जाने के बजाय वो ऐसे ओके और अगर कोई भी मूवमेंट हो रही है तो वो भी अपने राइट साइड मुड़ेगी क्लियर हो गया चलो आगे बढ़ते हैं टेड हेलीकॉप्टर ओके हेलीकॉप्टर का इन्वेंट किसने करा था हू इनवेंटेड हेलीकॉप्टर जल्दी से बताइएगा वट विल बी दिस क्वेश्चन ओके हु इन्वेंटेड हेलीकॉप्टर जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा हम्म इन्वेंटेड हेलीकॉप्टर ओके okay. जल्दी से बताओ हु इन्वेंटेड हेलीकॉप्टर का इन्वेंशन किसने करा था हम्म हम्म ठीक है हु इन्वेंटेड हेलीकॉप्टर ओके तो अभी आ, इंडियन नेवी में एक नया हेलीकॉप्टर लिया गया है रोमियो उस हेलीकॉप्टर का नाम क्या है ओके ओके संध्या मिश्रा ठीक है ठीक है ओके बेटा अभी इंडियन नेवी में एक नया हेलीकॉप्टर लिया गया है एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए तो आपको बताना है उसका आंसर क्या है यस इगोर सिरोस्की तो हेलीकॉप्टर अमेरिका के थे इगोर सिरोस्की उन्होंने इन्वेंट करा था ओके अब आप ये बताइएगा कॉरियस डरबल वॉल्टर डॉन बर्जर और बैरन क्रिस्टोफर और सिडनी क्रॉकल इन्होंने भी तो कुछ इन्वेंट करा होगा आखिरकार इन्होंने भी तो कुछ इन्वेंट करा होगा बताओ ओके okay, इन्होंने भी तो कुछ इन्वेंट करा होगा बताओ क्या इन्वेंट करा इन्होंने इनके बारे में भी बताओ हम्म जल्दी से बताओ इन्होंने क्या इन्वेंट करा था तो हाँ सर जो आप यहाँ करा कहते हैं कि मैंने इतने टाइम में क्या समझ आ रहा है अच्छा सर यहाँ जो ये यह कहते हैं ओके ओके वो सर पेपर क्लियर करना इट इज अ डिफरेंट थिंग ओके okay, वहां पर केवल आपका हार्डवर्क पे ऑफ होता है ठीक है लेकिन एस में हार्ड वर्क नहीं चलता एस में हु आर यू इन रियल ओके एस में आपकी मेरे को ज्यादा एक्सपीरियंस तो है नहीं एस का एस में आपकी तीन चीज देखी जाती है माइंड हार्ट और गट्स गट्स होता है पेट में बहादुरी यानी अगर कोई डर है तो पेट दब जाता है ना तो वो चीज़ देखी जाती है और दूसरी चीज एक और इम्पोर्टेंट देखी जाती है जो मेरे कुछ सिलेक्टेड स्टूडेंट्स से मैंने मतलब मेरे को फील हुआ मतलब उन्होंने बताया नहीं ऐसे फील हुआ कि जो भी अपने आप को समझता है ना वन मैन आर्मी वो कभी भी आपका आगे नहीं बढ़ पाता चाहे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो आर्मी नेवी एयरफोर्स हो यहाँ पर आपको एक टीम पर्सन होना पड़ता है यूनिट में काम करना होता है आप सिंगली कुछ नहीं कर सकते फॉर मैं डिफेंस अड्डा पे मैं 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 जनरल अवेयरनेस पढ़ाता अगर सोचूं कि मैं ही सबसे अच्छा पढ़ाता हूँ उतना अच्छा नहीं पढ़ाते तो इससे क्या होगा नुकसान अल्टीमेटली डिफेंस अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन का ही होगा तो ये चीज देखी जाती है ओके बिल्कुल नाम नमक निशान वो तो है हाँ बिल्कुल ओके okay, हाँ राइट right टर्म <coughs> मैं तो डेली ही पढ़ाता हूं चलो कॉर्नस डरबर्न ने आपका सब मरीन ठीक है सबमरीन को डिस्कवर करा अभी हाल ही में कौन सी सबमरीन को इंडियन नेवी में इंडक्ट किया गया है हम्म जल्दी से बताओ हम्म बिल्कुल सिडनी कॉकरल ने जो है आपका होवर क्राफ्ट ठीक है होवर क्राफ्ट होता है ना जो ये एक एम्फीबियस व्हीकल होता है जो आपका पानी पे भी चलता है और आपका किस पे चलता है होवर क्राफ्ट ये आपका पानी पे भी चलता है और आपका लैंड पे भी चलता है क्राफ्ट ओके और इन्होंने आपका मिसाइल बनाई थी जर्मनी के थे ये ठीक है मिसाइल बनाई थी ओके वेला ओके वगीर भी तो शामिल किया अब एक और आएगी वगशीर चलो इस क्वेश्चन का इन्वेंटेड डीएनए आज शाम को सात बजे ठीक है मैं कंप्लीट मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में कराऊंगा ओके कि कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज कब शुरू हुई उसका कौन सा एडिशन हुआ कहाँ पे हुई तो आज शाम सात बजे तो सीडीएस के लिए वो सेशन होगा तो ऑब्वियसली सी के लिए इम्पोर्टेंट होगा ही होगा आपके लिए भी वो उतना इम्पोर्टेंट होगा तो शाम को मेरे को जरूर मिलेगा सात बजे के सेशन में ठीक है हाँ ओके नहीं कनिका हो रहे हैं बेटा तो वॉटसन एंड क्रीक ने ओके वॉटसन एंड क्रीक ने किसको डिस्कवर करा था आपका डीएनए को 1958 में ओके okay, अभी जैसे हमारे स्वर्गीय सी ओके जनरल विपिन रावत तो उनकी जो फोर्टीन के फोर्टीन परसेंट थे अब तो कल उन ग्रुप कैप्टन सिंह की भी डेथ हो गई गॉड ब्लेस हिज सोल तो उनकी बॉडी क्या हो गई थी बर्न हो गई थी तो बॉडी को आइडेंटिफाई करने के लिए डीएनए मैपिंग या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जाती है अच्छा एक बार बताओ पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है ओके okay, सेल ऑर्गेनल इज नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है ओके okay. hmm. से बताओकेस okay. यू जल्दी से बताओ पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है इस क्वेश्चन का आंसर दो देखो कौन देता है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ये तो मैंने बता दिया पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया ड्रिया अरे वाह इसे हिंदी में बोलते हैं कणाब सूत्र अच्छा माइटोकॉन्ड्रिया वॉज डिस्कवर्ड बायर्ट वोनर माइटो अच्छा बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी किसे कहा जाता है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ या हमारे शरीर में बॉडी में कोई भी अगर वियर एंड टीयर हो जाए तो टूट फूट को ठीक कैसे किया जाता है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ह्यूमन बॉडी किसे कहा जाता है और थोड़ा यार सेशन को लाइक आप सभी टीचर्स के उसमें करते मैं कहता नहीं हूं तो मेरे में आप लाइक वगैरह कुछ नहीं करते हो ठीक है तो यार लाइक वाइक कर दे करो, थोड़ा हमें भी अच्छा फीलिंग करने दे करो। हाँ जय हिंद रॉबर्ट ब्राउन ने तो सेल नहीं करा था रॉबर्ट हुक ने करा था बेटा आ, हा 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 बिल्डिंग ब्लॉक अरे बिल्डिंग ब्लॉक प्रोटीन को नहीं कहते है? बिल्डिंग ब्लॉक प्रोटीन को नहीं कहते है? बिल्डिंग ब्लॉक जब शरीर में टूट फूट हो जाता तो है मसल्स वगैरह हमारा किससे होता है बिल्डिंग बिल्डिंग ब्लॉक प्रोटीन को नहीं कहते हैं क्या अमीनो एसिड ये तो टेंथ में पढ़ाते हैं न्यूट्रिशन के चैप्टर में गलत कह रहा हूं मैं बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी प्रोटीन नहीं कहा जाता ये क्वेश्चन आता है ऐसे ही ठीक है प्रोटीन को कहा जाता है ओके तो बिल्डिंग ब्लॉक जो है अच्छा अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले जाए कि प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल तो तब क्या आंसर दोगे प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल तब क्या आंसर दोगे प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल तो प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल किसे बोला जाता है राइबोजोम्स को और राइबोजोम्स आपका किसने डिस्कवर करे थे क्रिस्टीन डी डूवे ने करे थे किसने करे थे क्रिस्टीन डू डीवे ओके ओके हम्म ओके नाउ कंट्रोलिंग मैकेनिज्म ऑफ ह्यूमन बॉडी इज अवर माइंड एंड कंट्रोलिंग मैकेनिज्म ऑफ ए सेल इज न्यूक्लियस सो रॉबर्ट ब्राउन इन 1831 ओके रॉबर्ट ब्राउन इन 1831 डिस्कवर्ड न्यूक्लियस ओके अब आपने यहाँ पे एक चीज देखी आपको चारों के चारों ऑप्शन यानी आपको अभी तक 24 पॉइंट्स में लिखवा चुका हूं अगर आपने देखा हो तो सभी के आपको बताए जा रहे हैं यहां तो देखो पूरे पांच थे तो अब आपको पता लग रहा है कि आप अभी 24 पॉइंट से ज्यादा मेमोराइज कर चुके हैं चलो हु इन्वेंटेड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ अरे वाह चलो इस क्वेश्चन का आंसर देना हु इन्वेंटेड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का इन्वेंशन किसने करा था विलियन आइथोवन ने गोर्ड फ्राई हाउसन फिल्ड ने विल्सन ग्रेट बैच ने डॉक्टर इन डोनल्ड एंड इंजीनियर टॉम ब्राउन ने किसने करा था इसका हम्म बिल्कुल ओके जल्दी से बताओ हम्म आईथो वन ठीक है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ से आपका क्या मेजर होता है कोई ये बता सकता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ से आपका क्या मेजर होता है ईसीजी वो हिंदी फिल्मों में होता है ना कि पहले ऐसे 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 हो जाता है फिर हीरोइन रोने लगती है भगवान के आगे पीट नल के फिर एकदम से यूं यूं हो जाता है हीरो को सब याद आ जाता है और हैप्पी एंडिंग हो जाती है तो इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या करता है देखो अब वेलेंटाइन डे आ रहा है तो मैं उसकी प्रैक्टिस कर रहा हूँ दिल बनाने की ठीक है लेकिन कभी भी अच्छा नहीं बनता है मेरे से अजय एक बार बताओ बाइक जो होती है आ, उसमें स्पार्क प्लग होता है बाइक में क्या होता है एक स्पार्क प्लग होता है यह स्पार्क प्लग क्या काम करता है बाइक में स्पार्क प्लग होता है यह बाइक में स्पार्क प्लग क्या काम करता है अब ये तो जानते होंगे जो ना वो होता है वो इको होता है वो इको होता है वो दूसरी चीज होती है हाँ हाँ इलेक्ट्रिक सिग्नल मेजर करता है देखो एक होता हार्ट अटैक और एक होता है कार्डियक अरेस्ट ये दोनों अलग अलग है दिल का दौरा और हृदय घात ठीक है हार्ट अटैक हार्ट अटैक क्या होता है जब ब्लड सप्लाई आपके हार्ट तक नहीं पहुंचती तो उसे बोलते हैं हार्ट अटैक या हृदय घात और कार्डियक अरेस्ट या जिसे दिल का दौरा बोलते हैं वो एक्चुअली क्या होता है भगवान ने हमारे यहाँ दो पॉइंट बनाए हैं ठीक है ठीके? एक है एस से नोड ठीक है एस से नोड जो होती है एस से नोड जो होती है यहाँ भगवान का एक क्या कहते हैं ना उसका जो उसने अपने पास रखी हुई है एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस होता है और हमारे शरीर में क्या बनती है बिजली बनती है वन मिनी इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ठीक है ये एस ए नोड से करंट यहां पर आता है एवी नोड ठीक है एवी नोड से ना तीन मसल्स होते हैं इन्हें पुरकिंजे फाइबर्स बोला जाता है इन्हें क्या बोला जाता है पुरकिंजे फाइबर्स और इससे हमारा हार्ट धड़कता जैसे स्पार्क प्लग बाइक में कंबशन करता है तो ये एस ए नोड करंट प्रोड्यूस करती है एवी नोड उसे एम्पलीफाई करती है ठीक है तो हमारे शरीर में ये करंट बन रहा है या नहीं बन रहा है हमारे शरीर में ये करंट बन रहा है या नहीं बन रहा है उसको मेजर करता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ उसको क्या मेजर करता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ठीक है अगर किसी के यहां पर दिक्कत हो जाए वैसे हमारी हार्ट बीट पचास से नीचे नहीं होनी चाहिए ठीक है नॉर्मल कंडीशन में और बिना वर्कआउट करे हंड्रेड से भी ऊपर नहीं होनी चाहिए हंड्रेड टेन से ऊपर नहीं होनी चाहिए नहीं तो हाई ब्लड प्रेशर का सिम्टम होता है तो क्या होता है आपका जब आपके हार्ट बीट बिना कुछ एक्सरसाइज करे भी ओके 50 से नीचे रहते यानी आपका हार्ट कम धड़क रहा है और वो कभी भी बंद हो सकता है इसे हम बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट हृदय घात तो इस चीज से बचने के लिए क्या लगाया जाता है पेस मेकर लगाया जाता है और जो पेस है ठीक है उसको इन्वेंट करा था विल्सन ग्रेट बैच ने यह एफकेट के एग्जामिनेशन में आया है। में आया है है ये के एग्जामिनेशन में ठीक है हाँ ओके? नहीं मेरी तो सौ सौ ऊपर भैया इसी वजह एक सौ दस कह दिया मेरी तो एक सौ पांच रहती है ओके वैसे छोटे बच्चों की ज्यादा रहती है आपके घर में कोई छोटा बच्चा हो स्मार्ट वॉच उसे पहनाना जैसे स्मार्ट वॉच होगी तो उसमें आप देख लेना उनकी आपको ज्यादा मिलेगी न्यू सबसे ज्यादा होती है न्यू बॉर्न बेबी की 220 अब जैसे मेरी एज 36 हो गई है तो मेरी मैक्सिमम हार्ट बीट कितनी जा सकती है आपकी वन एट्टी तक जाती है मैं एक्सरसाइज करता हूँ मेरी 150 तक पहुंच जाती है मैं एकदम रुक जाता वहां पे नहीं तो उससे क्या होता है ना पल्पिटेशन हो जाती है और आपका हार्ट मसल्स थक सक के एकदम रुक भी सकती है एक कर्नाटका के एक्टर है ना कर्नाटका के एक्टर आजकल आप में से जो एक्सरसाइज कर रहे हो या वर्कआउट कर रहे हो तो कई बार जिम में होता है कि कॉफी पी कर जाया करो कैफीन कैफीन जो होती है ना आपकी हार्ट बीट को इंक्रीज कर देती है पल्पिटेशन तो उससे बचा करो वो मत करा करो कभी भी ठीक है अच्छा डॉक्टर इयान डोनाल्ड और इंजीनियर टॉम टॉम ब्राउन ने आपका क्या बनाया था अल्ट्रा साउंड मशीन बनाई थी ठीक है अल्ट्रासाउंड मशीन अब ये अल्ट्रासाउंड मशीन आपका दो तरीके से काम करती है कि आपका बताता है आपकी बॉडी के अंदर कितना है इसी अल्ट्रासाउंडिक वेव्स को हम दो जगह यूज़ करते हैं एक तो कि बेबी जो अगर कोई फीमेल कंसीव करती है वो बेबी सुरक्षित है उसमें कोई डिफेक्ट तो नहीं है वो पता लगता है दूसरी चीज़ क्या पता लगती है कि एक होती है ईको

कर लीजिएगा तो अल्ट्रासाउंड मशीन आपका किसने बनाई थी एयान डोनाल्ड और इंजीनियर थॉमस ब्राउन ने हाउस फील्ड ने आपका क्या कोविड हो रहा था ना तो कोविड में सब लोग क्या करा रहे थे एक्सरे करा रहे थे लेकिन उस एक्सरे से प्रॉपर नहीं पता लगता उसके लिए क्या कराना पड़ता है कंप्यूटराइज टोमोग्राफी इसमें भी एक्सरे यूज होती है तो जो आपका सी स्कैन है ओके okay, जो आपका सी स्कैन है वो आपका गॉड फ्राई हाउस एंड फील्ड ने डिस्कवर करा था ओके अरे गोरखा बहुत चीज खा लेते हैं वो ऐसी ऐसी चीज खा लेते हैं कि जो हम नहीं सोच नहीं सकते ओके okay? तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा विलियम आयथोबन चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन ओके रेडार रेडार का इन्वेंशन किसने करा था रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग हु इन्वेंटेड रेडार। ओके, लेट सी हु इन्वेंटेड रेडार ओके, एक्सरेज इन्वेंट विलियम रॉन्टजन के द्वारा की गई थी नॉट विलियम रोन कॉनार्ड के द्वारा लेकिन सी टी स्कैन मशीन एक्सरे पे काम करती है और वो गॉड फायर हाउस ने करा कर था ओके okay. सो so, सबसे पहले लुइस निक्सन ने आपका साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सोनार का इन्वेंशन करा था साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सोनार सेमुअल मोर्स मोर्स कोड आपका टेलीग्राफ जो होता है ओके टेलीग्राफ वो आपका सेमुअल मोर्स ने करा था गुली मार कोनी वायरलेस माइक्रोवेव पे काम करता वायरलेस इसका डिस्कवरी ग्यू मार्कोनी मार्कोनी ने आपका एक तरीके से कहा रेडियो वेव्स या रेडियो कम्युनिकेशन ये भी डिस्कवर करा था ओके okay? और रॉबर्ट वॉटसन वॉट ने आपका रडार का इन्वेंशन करा था ओके? Okay? इयान डोनाल्ड अरे भाई अल्ट्रासाउंड मशीन वो काम तो सोनार पे ही करती है अल्ट्रासाउंड मशीन और सोनार अल्ट्रासोनिक वेव पे ही तो काम करते हैं इन्होंने मेडिकल पर्पज से करा था इन्होंने कम्युनिकेशन के पर्पज से करा था अब जैसे एक्स एक्सरे एक्स नॉर्मल में भी होता है सी टी स्कैन में भी होता है इन्वेंटर ऑफ वेब वेब के इन्वेंटर कौन है वेब मीन्स वेबसाइट जैसे अंडर ट्वेंटी फोर सेवन की वेबसाइट है तो वेबसाइट के इन्वेंटर कौन है ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सी लैंग्वेज के इन्वेंटर कौन है जावा लैंग्वेज के इन्वेंटर कौन है तो आपको बताना है कि हु इज द इन्वेंटर ऑफ वेबसाइट ए विंसन सर्फ एंड बॉब कॉन ओके विंसन सर्फ एंड बॉब कॉन ये आपके वेब के इन्वेंटर हैं. ओके वेब के इन्वेंटर हैं ये शायद ए है हम्म इन्वेंटर ऑफ वेब ऑफ वेब ठीक है तो वेबसाइट के जो इन्वेंटर हैं वो उनका नाम है टिम बर्नस ली ठीक है टिम बर्नस ली ये वेबसाइट के क्या हैं इन्वेंटर हैं और आप सब लोगों के साथ जो मुखातिब हो पाता हूँ रोज आपको जो पढ़ाता हूं ठीक है रोज जो आपको मैं पढ़ाता हूं वो इंटरनेट के जरिए तो इंटरनेट के जो फाउंड मतलब इंटरनेट के जो हैं कि इंटर इंटरनेट को हिंदी में बोलते हैं मक्कड़ जाल इंटरनेट को हिंदी में क्या बोला जाता है मक्कड़ जाल अच्छा लीसन और एलन ट्यूरिंग इनके बारे में कुछ बता सकते हो हम्म आप ये बताओ रे टॉमी इनके बारे में कुछ बता सकते हो तो देखो ईमेल ओके ईमेल जो है आप में से हम कई लोग इसको यूज करते हैं ईमेल तो ईमेल जो यूज करी थी सबसे पहले 1971 में रे टॉमिनी सन ने या ईमेल के जो इन है इलेक्ट्रॉनिक मेल तो रे टॉमिनी सन ओके सॉफ्टवेयर ये सॉफ्टवेयर पर काम कर रहा है मैं अब तक तक जो मेरी वीडियो फीड पहुंच रही है वो एक सॉफ्टवेयर के जरिए पहुंच रही है तो एलन ट्यूरिंग फादर ऑफ सॉफ्टवेयर सबसे पहला इन्हें इन्होंने ही सॉफ्टवेयर बताया बताया था सॉफ्टवेयर ओके एलन ट्यूरिंग अच्छा एलन ट्यूरिंग के नाम पर एलन ट्यूरिंग के नाम पर एक ट्यूरिंग अवार्ड होता है ठीक है एम ट्यूरिंग अवार्ड और इसे नोबल अवार्ड कहा जाता है कंप्यूटर्स का ठीक है इसे क्या बोला जाता है नोबल अवार्ड बोला जाता है कंप्यूटर्स का तो आपके लिए होमवर्क है कि 2020 और 2021 का ट्यूरिंग अवार्ड किसको दिया गया है ठीक है 2020 और 2021 का ट्यूरिंग अवार्ड किसको दिया गया है तो ये जरूर आपको बताना है ठीक है हम्म ओके चलो अगला हु इन्वेंटेड ब्लड ट्रांसफर तो ब्लड ट्रांसफर आपका किसने इन्वेंट करा था इन्वेंटेड ब्लड ट्रांसफर तो ब्लड ट्रांसफर आपका किसने इन्वेंट करा था तो देखो ये जो सर फादर ऑफ ब्लड ग्रुप कहा जाता है इन्होंने ही सबसे पहले ब्लड ग्रुप बताए थे और ब्लड ग्रुप जब इन्होंने बताया था उसी के बाद आपका ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी शुरू हुआ था तो ऑप्शन नंबर बी ओके कोई बता सकता है कि विलियम हार्वे ने क्या बताया था ओके अब आपको बताना है विलियम हार्वे ने क्या बताया था ज्योति पटेल ऑप्शन नंबर ए। तो विलियन हार्वे विलियन हार्वे ने बताया था कि जो ब्लड हमारी बॉडी में सर्कुलेट होता है वो किस तरीके से होता है तो ब्लड क्यूलेशन जो बताया था वो किसने बताया था विलियम हार्वे ने सर विलियम हार्वे ने ओके अच्छा हमारी बॉडी में ब्लड प्यूरिफाई कौन सा ऑर्गन करता है हमारी बॉडी में ब्लड जो प्यूरिफाई है वो कौन सा ऑर्गन करता है ब्लड प्यूरिफिकेशन कौन करता है बताओ ब्लड प्यूरिफिकेशन हमारी ह्यूमन बॉडी में कौन करता है बताओ जरा ब्लड प्यूरिफिकेशन हमारी ह्यूमन बॉडी में कौन करता है हार्ट तो नहीं करता एमजे प्रेजेंट <coughs> <coughs> स्प्लीन नहीं करती बेटा स्प्लीन तो ब्लड बैंक कहा जाता है स्प्लीन को किडनी करती है हाँ किडनी अच्छा अगर हमारे शरीर में किडनी ख़राब हो जाए तो एक प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं ओके हार्ट नहीं करता हार्ट के ऊपर मोटर होता है वो ब्लड को पंप करता है अगर हमारे शरीर में किडनी ख़राब हो जाए तब कैसे ठीक कर सकते हैं उसे मतलब कोई प्रोसेस होता है उसका किडनी अगर ख़राब हो जाए तो फिर भी ह्यूमन को सर्वाइव कर सकते हैं क्या बोला जाता है उस प्रोसेस को क्या बोला था डायलिसिस हा डायलिसिस तो विलियम कॉल्फ डायलिसिस ठीक है विलियम कॉल्फ ने आपका डायलिसिस और क्रिस्टीन बर्नार्ड 1967 साउथ अफ्रीका फर्स्ट ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट ओके फर्स्ट ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट ओके हा चलो अगला क्वेश्चन हु डिस्कवर्ड एंटीजन एंटीजन किसने डिस्कवर करा था? सेशन hmm. अच्छा लग रहा है आप लोगों को बताइए सेशन अच्छा लग रहा है? लग रहा रहा है? है कि आपको ये आप 45 मिनट से आप मेरे साथ टच में हो जुड़े हुए हो तो 45 मिनट में आपको ऐसा तो नहीं लगा कि मैंने केवल फालतू की बात करी वैसे मैं बहुत ज्यादा फालतू की बात करता हूं ये मेरी आदत है लेकिन आई होप आप लोगों को समझ में थोड़ा बहुत आया होगा ओके okay, डीजे डिस्टर्ब कर रहा था प्रियंका जो, जे को डीजे डिस्टर्ब कर रहा था ओके okay, ओके okay, तो बिल्कुल लैंड स्टीनर इसका आंसर होगा अच्छा ये फेडरिक जी बेंटिंग इनके बारे में बताओ कुछ फेडरक जी बेंटिंग के बारे में भी तो बताओ ये कौन महाशय थे देखो आपके शरीर में यहां पर एक ऑर्गन होता है इसको हम बोलते हैं मिक्स ये ऐसा ऑर्गन है जो हार्मोन भी प्रोड्यूस करता है और डाइजेस्टिव एंजाइम भी प्रोड्यूस करता है तो इस ऑर्गन का नाम बताओ ओके okay. पेनक्रियास तो पेनक्रियास ना एक हॉर्मोन निकालता है इंसुलिन ठीक है जब आप ज़्यादा मीठा खाते हो ना तो आपका ब्लड शुगर बढ़ जाता है तो वो एक्स्ट्रा ब्लड शुगर जिसे हम डेक्स्ट्रोस या ग्लूकोज बोलते हैं उसको फैट में कन्वर्ट करता है इंसुलिन अब इंसुलिन जो है ना वो आपके शरीर में अगर बंद बंद हो जाए तो आपको डायबिटीज की बीमारी हो जाती है शुगर की बीमारी हो जाती है और वो बिल्कुल ही उसका जब सिक्रीशन उस हॉर्मोन का कम हो जाए तब लोगों को क्या लेना पड़ता आर्टिफिशियल इंसुलिन तो सर फेडरिक जी बेंटिंग ने आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल इंसुलिन इन्वेंट 1921 में कब करा था 1921 में, में चार्ल्स फेडरिक जी बेंटिंग ने आर्टिफिशियल इंसुलिन अच्छा एलेक्सेंडर फ्लेमिंग ने क्या बनाया था पेंसिलिन बनाई थी ये तो आपको पता ही है एलेक्सेंडर वुड्स ठीक है मैंने बहुत बड़े बहादुर बहादुर लोग देखे इवन कई जगह एक बार यूट्यूब पे देख रहे थे कि कुछ सोल्जर्स सोल्जर्स बहुत बहादुर होते हैं आप यू नो जानते हो लेकिन इंजेक्शन लगते वक्त सबकी मम्मी याद आ जाती है तो हाइपोडर्मिक सिरिंज यानी जिससे आपको इंजेक्शन लगाया जाता है अलेक्जेंडर वुड्स हाइपो डर्मिक सिरिंज ओके हाइपोडर्मिक सिरिंज ये आपका अलेक्जेंडर वुड्स ने और कल आपका केमिस्ट्री होगा ध्यान रखिएगा कल आपका क्या होगा केमिस्ट्री होगा जिसमें हम केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ करेंगे कल ओके okay, कल हम क्या करेंगे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ करेंगे कल चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन ये तो बहुत इजी है बहुत इजी क्वेश्चन है जल्दी से आंसर दो और इन सबके बारे में जरूर बताइएगा आइजैक न्यूटन एल्बर्ट आइंस्टाइन बेंजामिन फ्रैंकलिन अच्छा बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या डिस्कवर करा था ओके okay. संध्या मिश्रा रॉजर डैट आपको बिल्कुल मिलेगी हाँ बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या करा था और आप लोग ना डिफेंस अंडर ट्वेंटी फोर सेवन के बारे में थोड़ा बताया करो अपने फ्रेंड्स को ठीक है या मेरे टेलीग्राम चैनल के बारे में बताया अगर उन्हें अच्छे क्वेश्चन आंसर चाहिए सो डी इसका आंसर है मैडम क्यूरी नोबेल प्राइज दिया गया था ओके बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इलेक्ट्रिसिटी ठीक है वो किताबों में पढ़ते थे हम पतंग उड़ा के चाबी टांग के कर रहे थे इलेक्ट्रिसिटी बिजली आजकल बिजली गाना बहुत चल रहा है ना बिजली एल्बर्ट आइंस्टाइन ने तो पता नहीं दुनिया जहान के आविष्कार करें आइजक न्यूटन ग्रेविटेशन बाय हाँ चश्मा भी करा उन्होंने गैलीलियो ने क्या बनाया था ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है आपको होमवर्क में बताना है कि बैरोमीटर किसने बनाया माइक्रोस्कोप किसने बनाया ठीक है ओके बैरोमीटर किसने बनाया माइक्रोस्कोप किसने बनाया और थर्मोमीटर किसने बनाया पेंडुलम क्लॉक ही गलीलियो ने आप हमेशा सुनते हो कि गलीलियो ने क्या बनाया है आपका टेलीस्कोप लेकिन गलीलियो को फादर ऑफ फिजिक्स भी कहा जाता है ओके गैलीलियो इज नोन एज फादर ऑफ फिजिक्स ओके और इन्होंने आपका पेंडुलम क्लॉक लेकिन आपको बताना है होमवर्क है ये क्या हो गया होमवर्क है आपको कि बैरोमीटर किसने बनाया माइक्रोस्कोप किसने बनाया तो आपके दो होमवर्क हो गए एक तो वो ट्यूरिंग अवार्ड वाला और एक ये वाला ठीक है लॉ ऑफ इनर्शिया बिल्कुल ओके okay, पहली बार फोन का यूज कब किया गया था अब ये तो फुप्पा जी भी आंसर नहीं दे सकते फुप्पा जी तीन रिश्तेदार ऐसे होते हैं हर ह्यूमन की लाइफ में फुप्पा जी बुआ जी और जीजा जी ये कभी खुश नहीं रहते आपसे ठीक है इन विच द टेलीफोन इन्वेंटेड ओके तो आपका ये सबसे पहले 10 मार्च ठीक है टेंथ ऑफ मार्च ग्राहम बेल ने पहला फोन कॉल करा था इस दिन तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा ऑप्शन नंबर सी हाँ ठीक है वेरी गुड चलिए अगला क्वेश्चन हु इंफेंटेड पोलियो वैक्सीन दो बूंद जिंदगी की ठीक है दो बूंद जिंदगी की ये बताओ ये किसने करा दो बूंद जिंदगी की ये किसने दी थी हम्म अब बताओ दो बूंद जिंदगी की अब यहां पर आप देख रहे हो एल्बर्ट क्लेमटे और कैमिली ग्रुविन इन्होंने आपका बनाया था टीबी की वैक्सीन जिसे बीसीजी बेसिलस बी ग्यूरिन कहा जाता है ठीक है टीबी की वैक्सीन ओके अरे वाह बहुत बिट्टा बहुत बढ़िया ओके और जॉनस लाख ने वैक्सीन बनाई थी लेकिन वो ओरल नहीं थी वो आपको इंजेक्ट करनी पड़ती थी ओरल वैक्सीन 1960s में जाके अल्बर्ट सेबिन ने बनाई थी किसने 1960 में जाके अल्बर्ट सेबिन ने ओके okay, बोल्ड हो गए सभी लोग हाँ स्लाक 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 यहाँ पे ओरल नहीं दिखा तुम्हें मेरा नाम है जीवेश कुमार ठीक है और मेरे क्वेश्चन हमेशा उल्टे होते हैं ये देखो यहाँ पे मैं आपको टफ क्वेश्चन कराने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको एग्जामिनेशन में इजी गोइंग लगे और मेहनत करोगे तो डेफिनेटली क्लियर कर पाओगे तो आई होप आप लोगों को मजा आया होगा आज का सेशन अंडर ट्वेंटी फोर सेवन पर सेवेंटी सेवन परसेंट ऑफ चल रहा है कैपिटल यू वन नाइन वन डिस्काउंट कोड को यूज करिएगा अगर आप एफकेट की सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हैं ये बुक है ये आपको फोर फिफ्टी नाइन रुपीज़ में मिल जाएंगी कितनी फोर फिफ्टी नाइन रुपीज़ में ओके ये बुक एफकेट की ये हार्ड कॉपी बुक है दस दिन में दस से पंद्रह दिन में आपके घर ये पहुंच जाएंगी इसको आप कर सकते हैं कैपिटल यू वन नाइन वन लगाइएगा अगर ये ना लगे तो कैपिटल यू वन नाइन को लगा के देखिएगा ठीक है एस और अगर आप लाइव बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी फोर्टीन तारीख से शुरू होगी क्योंकि मैंने इसमें फोर्टीन तारीख से क्लास ली है तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं तो जल्दी ज्वाइन करो टाइम बहुत ज्यादा जल्दी से गुजर रहा है 2069 में आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो और इसमें हम फुल कंसेप्ट वाइज पढ़ेंगे ध्यान रखेगा कैपिटल यू वन नाइन वन कोड लगा के आप सेवेंटी सेवन परसेंट डिस्काउंट का फायदा उठा सकते हैं तो आज के लिए इतना ही और ध्यान रखेगा अभी एक मैं जैसे एंड कर रहा हूँ इस वीडियो को जरूर देखेगा सेशन को शेयर और लाइक जरूर करेगा और एग्जाम से पहले एग्जाम की तैयारी करेगा यह वीडियो जरूर देखेगा